What is going on, you people? Welcome back to another video. तो इस वीडियो का टाइटल है कि कंसोल्स आर बेटर देन पीसी और मैं इस बात के पूरे हक में हूँ एंड आई हैव रीजंस फॉर दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू स्टोरी कि 2015 में मुझे पीसी लेने का काफ़ी ज़्यादा शौक पड़ गया लेकिन एट द टाइम मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था. तो मुझे घर वालों ने मुझे PS4 ले दिया जो ऑलमोस्ट मुझे उस वक्त 35 से 40 GB का मिला, राइट. लेकिन PS4 एक से डेढ़ साल इस्तेमाल करने के बाद भी मेरा पीसी का कीड़ा नहीं मरा और मैंने फिर भी यू नो घर जिद करता रहा कि मुझे पीसी चाहिए. हेयर फाइनली पैसे इकट्ठे करके मैंने PS4 बेचा और एक पीसी लिया. पीसी मैंने एक से डेढ़ साल चलाया एंड फाइनली आई रियलाइज कि मुझे PS4 में और इस पीसी में कोई खास फर्क नज़र नहीं आया और उसका मेन रीज़न सिर्फ ये है कि मैं कोई हार्डकोर गेमर नहीं हूँ. मैं कैजुअल गेमिंग करता हूँ. आई एम एन एवरेज गाय जो हफ्ते में कुछ घंटे गेमिंग करता हूँ और मेरे ख्याल में ये पीसी के जो मैंने एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए वो वर्थ नहीं थे करते. सी दिस पीसी हैज़ ए GTX 1060 और एक i7 3rd generation और अगर आपको पीसी अभी बनवाना हो तो इट वुड बी अराउंड 60,000 और 60,000 के साथ आपको मिलीटर कीबोर्ड माउस के चार्जेस अलग हैं. यार मेरे ऑलमोस्ट 110K लगे जस्ट फॉर द मोनीटर्स एंड पीसी एंड कीबोर्ड एंड माउस. उसके अलावा टेबल इंटरवुड से अलग पड़ा था 10,000 का और जो चेयर थी वो 5,000 की अलग पड़ी थी. तो ऑलमोस्ट 125K पड़ा था तब जब पीसी वगैरह का सामान महंगा था. आई गेस ये 1060 वगैरह और जो प्रोसेसर हैं अब काफ़ी सस्ते हो गए हैं. यू कैन गो चीप ऑन दैट. ऑन द अदर हैंड इफ यू वांट अ कंसोल राइट नाउ तो कंसोल आपको ऑलमोस्ट 35,000 का मिल जाएगा PS4 या Xbox One. पीसी की मैंने यूज़ प्राइस बताई, कंसोल की भी मैं यूज़ प्राइस बता रहा हूँ एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि इन दोनों मशीन्स की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है. हो सकता है पीसी कुछ जगहों में थोड़ा सा आगे हो लेकिन फॉर एन एवरेज कंज्यूमर इन दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है. ये जो पीसी है इसके पर 1080p पे 60 फ्रेम्स पे आई कैन सेट मीडियम टू हाई सेटिंग्स. ऑन दी अदर हैंड PS4 जो है वो 1080p पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे चलता है लेकिन इट्स 30 FPS. तो यू कैन कंसिडर इट ऑलमोस्ट सेम. तो मैं पीसी आप लोग क्यों नहीं रेकमेंड करता. सी कंसोल को पीसी से बेहतर कहने की सिर्फ एक वजह यही है कि कंसोल पीसी से काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है. सी फॉर समवन जिसको पीसी की प्रोडक्टिविटी नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने वीडियो एडिटिंग नहीं करनी, आपको डिज़ाइनिंग से कोई काम नहीं, आपको फोटो एडिटिंग से कोई काम नहीं और ऑल इन ऑल आपको पीसी पे यू नो कोई प्रोडक्टिविटी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, यू कैन गो फॉर अ कंसोल. और मेरा मेन कहने का पॉइंट भी यही है कि अगर आपको एक मशीन चाहिए सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए तो मैं आपको पीसी बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इट्स फार मोर एक्सपेंसिव दैन कंसोल्स. देखो इस चीज़ की एग्जांपल इधर से ले लो कि जो नेक्स्ट जनरेशन कंसोल्स आने वाले हैं एक्सबॉक्स एक्स और PS5 उनकी प्राइस ऑलमोस्ट $500 जो आपको पाकिस्तानी तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये के पड़ते हैं और उनकी परफॉर्मेंस गेम्स में है 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड. अगर आपको ये परफॉर्मेंस एक पीसी पे चाहिए तो एट द वेरी लीस्ट आपको वो पीसी 150K to 200K का पड़ेगा और उसके बाद मॉनिटर और कीबोर्ड माउस के पैसे अलग. तो एज फार एज प्राइस इज कंसर्न पीसी और कंसोल में काफ़ी फ़र्क है. लेकिन इफ यूर समवन जो एक हार्डकोर गेमर है और गेमिंग को आप काफ़ी सीरियस लेते हैं और आपके पास बहुत ही एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं गेमिंग पे लगाने के लिए, पीसी कंसोल से काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. इफ़ यूर एवरेज कंज्यूमर लाइक मी जिसके लिए 1080p 30 FPS अल्ट्रा सेटिंग्स काफ़ी है तो आपको पीसी पे एक्स्ट्रा पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है. इन माय ओपिनियन एक 35,000 का PS4 जो है अगर आपको वो परफॉर्मेंस पीसी पे चाहिए तो वो आपको तकरीबन 60K to 70K में मिलेगी और अगर आपको पीसी पे नोटिसेबल डिफरेंस चाहिए तो कम से कम आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए जस्ट फॉर द पीसी. यू नो जस्ट टू सी के PS4 और पीसी को आप साइड बाई साइड रखें और पीसी PS4 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो तो दैट इज़ द कॉस्ट फॉर दैट. सो या दैट इज़ द मेन पॉइंट. अगर आपको सिर्फ गेमिंग के लिए एक मशीन चाहिए तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू अ कंसोल. So yeah guys, that's basically for today's video. Hope you guys enjoyed it. Make sure to drop a thumbs up and subscribe this channel down below. See you guys in the next one. Allah Hafiz.